नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 7। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चूड़ी ले लेंगे, चूड़ी से एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए चूड़ी ले लिए, अब इसका हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। देखिए वृत्त बना लिए। सवाल में बोल रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। बिंदु किधर भी लिया जा सकता है, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, या इधर किधरों ले सकते हैं, हम इधर ले सकते हैं, बिंदु इधर ले लेते हैं। बिंदु बाहर लेने से पहले हम लोग को यहाँ इसका मध्य बिंदु पता करना पड़ेगा कि इसका केंद्र कहाँ है। ऐसे तो चूड़ी के सहायता से हम लोग वृत्त बना दिए, तो यहाँ पे केंद्र हम लोग को नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केंद्र मालूम करेंगे, इसके बाद बाहर बिंदु ले लेंगे, ठीक है। हम लोग दो जीवा ले लेते हैं, अंदाज़ा ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह, फिर इस साइड इस तरह ले लेते हैं, ठीक है। आप भी किधरों ले सकते हैं, या तो इधर या तो इधर। अब क्या करेंगे, 150 से इसको समद्विभाजित करेंगे दोनों को। देखिए इसको आधा से अधिक ले जाएंगे, ठीक है, इतना। फिर इधर काटेंगे इस तरह, फिर इस साइड काटेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर इधर। देखिए ये वाला हो गया। अब इसको ई बिंदु और ई बिंदु को मिला के आगे बढ़ा देते हैं। देखिए बढ़ा दिए। अब इसको भी ई जीवा को भी समद्विभाजित करेंगे। आधा से अधिक 150 को बढ़ा देना है इस तरह, और एक बार इधर काटना है, फिर एक बार इधर, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार इधर काटना है, फिर एक बार इधर। यहाँ नहीं मिल रहा है तो और एक बार इधर से काटेंगे, ठीक है, कट गया। अब ई बिंदु और ई बिंदु को मिला देते हैं। आती है, अब हमको केंद्र कहाँ पे मिला, यहाँ पे हमको केंद्र मिला। अब सवाल में बोल रहा है वृत्त से बाहर एक बिंदु लीजिए। हम लोग बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब ई बिंदु और ई बिंदु को मिला देते हैं। मिला दिए। सवाल में बोल रहा है इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। जो बाहर बिंदु लिए हैं उसी से स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचने के लिए पहले ई ई जो रेखा है इसको समद्विभाजित करेंगे, आधा से अधिक ले लेंगे, फिर एक बार इधर काटेंगे, फिर एक बार इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर। अब ई बिंदु और ई बिंदु को मिला देते हैं। देखिए मिला दिए। अब हमको यहाँ पे एक बिंदु मिला, इसको इसका नाम M रख देते हैं और इसका O रख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे केंद्र मिला है तो ओ एम को त्रिज्या मान के ही एक वृत्त बना देते हैं। इसका नाम पी रख देते हैं। देखिए ना पे, फिर पी में भी ना पे, देखिए हो गया। अब वृत्त बना देते हैं। देखिए एक वृत्त बना दिए। अब कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ई बिंदु से यहाँ पे मिला देंगे, फिर ई बिंदु से यहाँ पे मिला देते हैं। देखिए नाम रख देते हैं इसका ए और इसका बी, मिला देते हैं। देखिए ए से पी को मिला दिए, फिर बी से पी को मिला देते हैं। देखिए मिला दिए, यही दोनों स्पर्श रेखा है। तो हम लोग का रचना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे, ठीक। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए पहला पॉइंट क्या बनाए हैं, चूड़ी के सहायता से एक वृत्त बनाए, तो यही चीज पहले लिख लेंगे। सबसे पहले
चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचे थे उसमें दो गो जीवा लिए हैं और दोनों जीवा को समद्विभाजित किए हैं, यही लिखेंगे। कोई भी दो जीवा लिया और दोनों जीवा को समद्विभाजित किया जिससे हमें ओ प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। देखिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिए हैं और ओपी को मिला दिए हैं, यही चीज लिखेंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया और ओ से पी को मिलाया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट में देखिए, ओ पी को हम लोग समद्विभाजित किए जो कि एम प्राप्त हुआ। ओ पी को समद्विभाजित किया जिसका मध्य बिंदु M है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे। देखिए, M को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिए हैं, तो वृत्त कहाँ कहाँ पहले वृत्त को टच करता है, ए पर टच करता है और बी पे टच करता है, तो यही चीज को लिखना है। एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले खींचे गए वृत्त को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब छठा पॉइंट लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, पी से ए को मिलाए फिर पी से बी को मिलाए, यही चीज लिख देते हैं छठा पॉइंट में। पी से ए और पी से बी को मिलाया। ठीक है, सातवां पॉइंट लिख देंगे। अब सातवां पॉइंट में लिखेंगे, ए पी और बी पी दो स्पर्श रेखा है, यही चीज हम लोग को निकालना था, तो लिख देते हैं सातवां पॉइंट में, ए पी और बी पी स्पर्श रेखा है। देखिए, हम लोग का रचना भी कंप्लीट हो गया और रचना के चरण भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों।